बेसिकली जो हाथरस में घटना हुई है रेप की, उसके संबंध में लोग यहाँ, इनके नेता आ रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद, तो उनका वेट करने के, उनका लोग वेलकम करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो बेसिकली वो अब नहीं आ रहे हैं, तो ये लोग इस उसमें थे कि उनको रोक लिया गया है, उनको छोड़ा जाए, ये बात कर रहे थे। दूसरी बात इनकी ये थी कि बच्ची को उसको रेफ़र कराया जाए हायर सेंटर पर। तो उस संबंध में हमने रात में ही बात की थी, मेरे सीनियर ऑफिसर्स भी थे, तो लड़की के परिजन अभी सहमत नहीं थे रात में कि वो उसको ट्रांसफ़र अभी रेफ़र कराएं। अगर वो चाहेंगे तो बिल्कुल हम लोग उनको मदद करेंगे रेफ़र कराने के लिए, ठीक है। ये देखिए, इसमें 8 लेन हैं, दोनों तरफ की दो दो लेन चल रही थी, बीच की दो लेन में लोग बैठे हुए थे। मैंने उनसे 15-20 मिनट बात की है और उसके बाद उनकी बातें सुनी है, उनकी बातें फिर हमने सुन के और उनको सहमत किया है, वो लोग सब चले भी गए यहाँ से। कि हम लोग जो हैं बहन को न्याय दिलाने के लिए, जिसका 14 तारीख से रेप हुआ है, जिसके साथ 14 तारीख से बदतमीजी करी गई है, सुवर्ण जाति के लोगों ने, दबंग जाति के लोगों ने उससे बदतमीजी करी गई है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही उस बहन को जो है एक अच्छा इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटलों में भेजा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि अलीगढ़ में जो है बुखार तक का इलाज नहीं होता, बुखार के लिए भी किसी को जाना होता है तो वो मेरठ जाता है, वो दिल्ली में जाना होता है, मगर इतनी बड़ी घटना हुई है, इतने जो है दयनीय घटना हुई है, इतना निंदनीय घटना हुई है, उसके बावजूद भी हमारे समाज बहुजन समाज की बेटी को, क्यों? क्योंकि वो बहुजन समाज की बेटी है, उसको इसीलिए अभी तक जो है बेहतर इलाज के लिए बाहर नहीं भेजा गया। तो ऐसे प्रशासन को डूब के मर जाना चाहिए। जो शासन व सरकार, जो प्रशासन जाति देखकर धर्म देखकर जो है उसे न्याय दिलाता है, स्वास्थ्य देता है, तो ऐसी ये सरकार जो है मानव विरोधी है, ऐसी सरकार जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग इस देश में जो है मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मगर बाबा साहब के बच्चे हैं हम, जिन्होंने बड़ी मेहनतों से जो है इस देश में जो है स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व और न्याय के लिए वो न्याय का हक अधिकार लिख के कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसको हम लोग खत्म नहीं होने देंगे।